जी आप देख सकते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक साल पुराना स्ट्रक्चर है, तो थोड़े से स्ट्रक्चरल रिपेयर इसको इसकी ज़रूरत थी, जैसे बाजू का कपड़ा हो गया या फ्लोरिंग हो गया, तो उसका काम अभी फ़िलहाल चल रहा है। हमारे जितने भी हॉल्स हैं सारे हॉल्स में कारपेटिंग और स्पेशली फ्लोरिंग का चल रहा है, क्योंकि बारिश में कई बार पानी वगैरह जम जाता है, तो उसके लिए सावधानी के तौर पर हम लोग कारपेटिंग और फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है सारे हॉल। जी फिलहाल तो हमारा सेंटर पेशेंट्स हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सारी जैसे आप देख रहे हैं रिपेयर वर्क्स हो रहे हैं, उसके लिए जैसे ही रिपेयर वर्क्स हमारे एक्सपेक्टेड है 31st तक ख़त्म होने के लिए, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 1 तारीख से वापस पेशेंट लेने के लिए। हॉस्पिटलों में 1 तारीख तक पेशेंट नहीं लिए जाएंगे? सर उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एटलीस्ट जम्बो सेंटर जैसे हमारा है वहाँ पे कई जगहों पे अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है बारिश की तैयारी के तौर पर, तो तब तक 1 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली सारे सेंटर्स में तो ले ही लेंगे, जिनका थोड़ा बहुत बाकी होगा वो 2-4 दिन आगे पीछे, लेकिन ले लेंगे अभी पेशेंट। बारिश में देखा गया था कि कई जगह के छप्पर उड़ गए थे, पानी घुस गया था, इसको लेकर क्या तैयारियां? सर वही है ना, अभी हम सारे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ही कर रहे हैं अभी, ताकि अभी जैसे साइक्लोन भी आके गया है तो उस वक्त भी हमें पता चल गया है कि कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, तो उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करके स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।